वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अधूरी सत्यवती देवी द्वारा लिखी गई पोइम माय रेड विंग्ड बर्ड का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, और हम लोग अपने क्वेश्चन को डिस्कस करें, थोड़ा सा हम लोग अधूरी सत्यवती देवी के बारे में जान लें। अधूरी सत्यवती इज़ अ तेलुगु पोइट। वो एक तेलुगु पोइट है। शी हैज़ 3 कलेक्शंस ऑफ पोइट्री टू हर क्रेडिट। उनके नाम के ऊपर 3 रचनाएं हैं, रेका मुदावनी रेगम, जलपाता गीतम एंड वेई रानागुला वेलगु रगम। और ये पोइम भी बेसिकली तेलुगु में ही लिखी गई थी और इसकी बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ अधूरी सत्यवती मैरिड विंग्ड बर्ड। मैरिड विंग्ड बर्ड, मैरिड का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी, मैरिड मल्टी कलर्ड, बहुत रंगों से भरा हुआ, विंग्ड पंख, बर्ड पक्षी। तो एक ऐसा पक्षी छुट्टी थे जितेंद्र भी, अधूरी सत्यवती देवी माइरेड विंग बर्ड। तो माइरेड विंग बर्ड का मतलब हुआ एक ऐसा पक्षी जिसके अलग अलग रंगों के पंख हैं। और यहाँ पे पोइटेस उसे शब्द का नाम देती है, वर्ड। पोइटेस कहती है कि शब्द भी उसके लिए एक ऐसी ताकत है जिसके थ्रू उसने अपनी ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों में अपने अलग अलग भावों और अपने अपने अलग अलग फीलिंग्स को पोइट्री की फॉर्म में व्यक्त किया है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द पोइट, व्हाट डू यू थिंक द पोइट फील्स अबाउट वर्ड्स, व्हाट डू दे डू फॉर हर एंड व्हाई डज शी फील लाइक दैट। कि पोइटेस शब्दों के बारे में क्या महसूस करती है, वो उसके लिए क्या करते हैं और उसे ऐसा क्यों लगता है। पोइट्री शब्दों को अपने हाथ में एक ऐसी जादू की छड़ी, एक ऐसा खजाना मानती है जिसके ज़रिए वो अपने अलग अलग भावों को, अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग इमेजिनेशंस को, अलग अलग पड़ावों में कविता का रूप देती है और वो उसकी इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि वो उसकी भावनाओं को व्यक्त कर सके। मेक अ लिस्ट, और दूसरा क्वेश्चन बनता है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स द पोइट कंपेयर्स वर्ड टू दिस इन पोइम। कि इस पोइम के अंदर पोइटेस ने शब्द को किन किन चीज़ों के साथ कंपेयर किया है और क्यों उसने इन चीज़ों के साथ शब्द का कंपैरिजन किया है। तो क्यों किया है, हम लोग जैसे जैसे पोइम पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, द प्रेजेंट पोइम माइरेड विंग्ड बर्ड हैज़ बीन रिटन बाय अधूरी सत्यवती देवी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन पोइटेस। तो पोइटेस कहती है
कि ये जो पोइम है, ये माय रेड विंग बर्ड पोइम है, सत्यवती देवी द्वारा लिखी गई है, जो कि एक इंडियन पोइटस हैं। द प्रेजेंट पोइम इज एक्चुअली अ ट्रांसलेशन ऑफ तेलुगु पोइम। उनकी ये पोइम उनके द्वारा लिखी गई एक तेलुगु पोइम की ट्रांसलेशन है। इन दिस पोइम द पोइटस टेल्स अस अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग पोइट्री। इस पोइम में पोइटस अपने कविता को लिखने के तजुर्बे को हमारे साथ शेयर करती है। शी टेल्स दैट ए वर्ड कम्स टू हर हैंड लाइक अ बर्ड। वो हमें बताती है कि एक शब्द उसके हाथ में एक पक्षी के जैसे आता है, जिसके कि बहुत अलग अलग रंगों के पंख हैं। इन अदर वर्ड द वर्ड कम्स टू हर हैंड लाइक अ मैजिक बैंड विद विच शी कैन प्रेजेंट हर डिफरेंट फीलिंग थाट्स एंड इमोशन। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह दें तो गलत नहीं होगा कि शब्द पोइट उसके हाथ में एक जादू की ऐसी छड़ी है जिसके थ्रू वो अपने अलग अलग भावों को, अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग विचारों को, इमोशंस को व्यक्त कर पाती है। वर्ड इज़ अ थ्रोट बॉक्स म्यूजिक ट्रेजर ऑन माई जेंटल लविंग पाम। वो यही कह रही है कि म्यूजिक शब्द उसके हाथ में एक ऐसा खजाना है जिससे वो अपने अलग अलग भावों को व्यक्त कर पाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शी कंपेयर्स द वर्ड विद प्ले थिंग इन हर हैंड्स थ्रू विच द पोइटस राइट अबाउट हर इमेजिनेशन। सबसे पहले पोइटस शब्द को एक खिलौने से कंपेयर करती है। वो कहती है कि जैसे बचपन में एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, पहले जिंदगी के पहले पड़ाव में शब्द ने भी बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही किया था, और उस समय शब्दों को उसने अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया था। वर्ड इज़ अ चाइल्ड्स प्ले। She tells that word comes to her like a song in the spring season. In other words, she tells that if a word is a medium through which she expresses the natural beauty. फिर दूसरे पहलू, दूसरी चीज़ वो करती है शब्द को कुदरती खूबसूरती को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि शब्द उसके हाथ में बिल्कुल इस प्रकार से आता है जैसे कोयल के हाथ में स्प्रिंग के सीज़न में कोयल का गीत होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से शब्द उसकी मदद करते हैं कुदरती खूबसूरती को बताने के लिए। फर्दर शी टेल्स दैट वर्ड गिव्स हर कॉन्फिडेंस लाइक अ मदर व्हेन शी फील्स लोनली इन द जर्नी ऑफ लाइफ। पोइटस कहती है कि ज़िंदगी के सफ़र करते वक्त जब वो अपने आप को पहली कल्पनाओं में, पहली स्टेज में शब्द उसके लिए कल्पना का काम करते हैं, फिर नेचुरल ब्यूटी और लव के बारे में काम करते हैं, बट जब वो इन अनरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर निकलती है, ज़िंदगी की दौड़ में अपने आप को हकीकत के साथ जोड़ के देखना शुरू करती है, तो वो देखती है कि ज़िंदगी के सफ़र पर तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, और तब उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो जैसे बचपन में माँ का दूध या फिर माँ की कही गई बात हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भर देती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से शब्द भी पोइटस को अंदर से कॉन्फिडेंस के साथ भर देते हैं कि उसे ज़िंदगी की लड़ाई अकेले ही करनी पड़ेगी और अकेले ही जीतनी पड़ेगी। द वर्ड अश्योर्स मी ऑफरिंग मी मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। फर्दर शी टेल्स दैट वर्ड बिकम्स अ स्कूल विच हेल्प्स हर टू फाइंड अ वे आउट ऑफ हर प्रॉब्लम। वो कह रहे कि जैसे एक स्पाइडर और कैटरपिलर, कैटरपिलर कमला कह देते हैं, तो जिस प्रकार से एक स्पाइडर और कैटरपिलर कई बार जिंदगी में अपना रास्ता खो देते हैं, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो पोइटस भी जिंदगी के कई पड़ावों पर पोइटस को ऐसा लगता था कि उसे वो अपनी ज़िंदगी के रस्तों में खो चुकी है, उसे निर्णय लेने में मुश्किल आ रही है। तो ऐसे हालातों में जैसे एक स्कूल हम लोगों को डिसिप्लिन, लाइफ में डिसीजन लेने का कैपेबल बनाता है, हमारा आधार बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार से शब्द ने स्कूल के जैसे उसको अंदर से डिसिप्लिन करने की कोशिश की और उसको उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश की। दैट शी टेल्स दैट वर्ड मेक्स हिम अवेयर अबाउट द सॉरोस एंड सफरिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इन अदर वर्ड ए वर्ड क्लींसेस हर सोल लाइक अ वाटर। फिर वो कहती है कि शब्दों ने उसको, फिर वो कहती है कि शब्दों ने उसको अंदर से जागरूक किया इंसानी दुख दर्द के बारे में। वो अब प्यार के बारे में नहीं लिखना चाहती, अपनी कल्पना के बारे में नहीं लिखना चाहती, कुदरती खूबसूरती, वो चाहती है कि अब जब उसको दुनिया की हकीकत का पता चल चुका है तो अब दुनिया के दुख दर्दों को, अपने
कविता में शब्द के रूप में बताए, वर्ड क्लींजेस मी लाइक अ वाटरफॉल इन द एंड शी टेल्स दैट वर्ड इज लाइक अ मैजिक वैंड एंड अ ट्रेजर बॉक्स इन हर हैंड थ्रू विच शी कैन एक्सप्रेस हर एवरी फीलिंग एंड थॉट। अंत में वो कहती है तो शब्द उसके लिए एक ऐसी जादू की छड़ी है, एक ऐसा खजाना है जिसके ज़रिए वो अपनी अलग अलग भावनाओं को, अपनी अलग अलग एहसासों को, विचारों को हमारे सामने व्यक्त करती है पोइटिक के फॉर्म में। तो हम लोग देख सकते हैं माइरेड विंग्ड बर्ड का मतलब था एक ऐसा पक्षी जिसके अलग अलग कलर के पंख है, तो उसने बिल्कुल शब्द को बिल्कुल ऐसा ही बताया कि शब्द ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारा गुस्सा भी बताते हैं, हमारा प्यार भी बताते हैं, हमारी बचपना भी बताते हैं, हमारी मैच्योरिटी भी बताते हैं। तो उसने अगर वर्ड को एक माइरेड विंग्ड बर्ड कहा है कि जिसके थ्रू हम लोग अपनी अलग अलग भावनाओं विचारों का व्यक्त करते हैं, तो कोई गलत नहीं कहा है। इन द एंड टू कंक्लूड वी कैन से दैट द वर्ड्स आर नथिंग बट पोइट्री फॉर द पोइटस। अंत में हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके लिए शब्द कुछ नहीं बल्कि केवल पोइट्री हैं। इन अदर वर्ड्स, वर्ड्स आर लाइक अ बर्ड हैविंग मैनी कलर्ड विंग्स दैट कम्स टू हर हैंड्स वेन एवर शी नीड्स इट। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पोइटस के लिए शब्द जो है वो एक ऐसा पक्षी का काम कर रहे हैं जिसके अलग अलग प्रकार के पंख हैं, और शब्द भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे हैं जो उसके अलग अलग भावों को, अलग अलग विचारों को, अलग अलग इमोशंस को हमारे सामने व्यक्त करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।